हेलो एवरीवन, वेलकम टू गीक माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस के जो डिफॉल्ट यूज़र होता है एडमिन, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको चेंज करने के लिए जब बैकएंड पे जाते हैं और प्रोफाइल में जाते हैं, और जैसे ही आप उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, जो डिफॉल्ट एडमिन यूज़र होता है तो वो आपको कुछ इस तरह का मैसेज दिखाता है। लेट मी शो यू। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको यूजर नेम कैन नॉट बी चेंज का मैसेज दे रहा है। इसका मतलब है कि हम यहाँ से यूजर नेम चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए हम इसका तरीकाकार देखते हैं कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं बगैर कोई प्लगइन यूज किए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करना है और ये फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे अपने यूजर नेम टाइप करना है, ईमेल एड्रेस आपने टाइप करना है, और आपने मेक श्योर करना है कि ये ईमेल एड्रेस जो है वो जो एडमिन यूजर, डिफॉल्ट एडमिन यूजर का जो ईमेल एड्रेस है, ये दोनों सेपरेट होने चाहिए, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। ओके, यहाँ पे हमने वेबसाइट मेंशन कर दी। उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी रख लेना है, लेकिन 100% ये नहीं रखना जो मैंने रखा है, क्योंकि ये जस्ट मैं टेस्टिंग पर्पज के लिए रख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू यूजर। अब आप देख सकते हैं यूजर हमारे पास ऐड हो चुका है, लेकिन हम इसको स्विच करने के लिए हमें सिंपली ये करना पड़ेगा कि एडमिन के यूज़र को डिलीट करना पड़ेगा और सुपर यूज़र को हम एज ए यूज़र, न्यू यूज़र यूज़ करेंगे। तो इसको डिलीट करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसको जो एडमिन यूज़र ऑलरेडी लॉग इन है उसको लॉग आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एडमिन यूज़र को लॉग आउट कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसको लॉग आउट किया, और लॉग आउट करने के बाद जो हमने न्यू यूज़र क्रिएट किया है, जो न्यू एडमिन यूज़र क्रिएट किया है, हम उससे लॉग इन करेंगे। और लॉगिन करने के बाद सिंपली हम वापस जाएंगे यूजर्स में, ऑल यूजर्स। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि एडमिन के साथ नीचे डिलीट की ऑप्शन आ रही है, और अब हम एडमिन वाले यूजर को डिलीट करने के लिए डिलीट पे क्लिक करेंगे। इसका सारा कंटेंट जो है वो हम न्यू यूजर को ट्रांसफर कर देंगे ताकि कोई भी चीज़ डिस्टर्ब ना हो। यहाँ से कन्फर्म डिलीशन करेंगे और दैट्स इट। अब आप देख सकते हैं कि आपका यूजर नेम चेंज हो चुका है, और जैसे ही मैं इसको एडिट करता हूँ, अब हमारे पास एडमिन डिफॉल्ट यूजर कहीं भी शो नहीं हो रहा, और जो हमारा डिफॉल्ट यूज़र है वो सुपर यूज़र के नाम से चेंज हो चुका है। तो ये मेथड है जिससे आप बगैर कोई प्लगइन यूज़ किए, विदाउट कोई कोड किए, या विदाउट बैकएंड में जाए आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू वुड लाइक टू सी मोर वीडियोज़ लाइक दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।